90s के सुपर फ्लॉप हीरोज की जब भी लिस्ट बनेगी, अभिनेता रोनित रॉय का नाम उसमें जरूर शामिल होगा। मगर क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एक्टिंग छोड़ते ही रोनित की किस्मत कैसे चमक गई थी? चलिए हम उनके हिंदी सिनेमा में आने, उनके महाफ्लॉप होने की वजह से लेकर उनके नसीब पलटने की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। हिंदी सिनेमा में कम ही अभिनेता ऐसे हुए जो पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन बैठे। रोनित रॉय भी उनमें से एक हैं। मगर क्या आपको पता है कि वह कभी होटलों में बर्तन धुला करते थे, फिर फिल्म लाइन में कैसे पहुंच गए? चलिए हम बताते हैं। 11 अक्टूबर 1965 को एक बंगाली परिवार में रोनित पैदा हुए थे। पिता मोहिंद्रनाथ बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। वैसे रोनित जन्मे तो नागपुर में थे, मगर उनका पूरा बचपन अहमदाबाद में बीता। यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और पिता के कहने पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगे। इसी दौरान उनको फिल्में देखने का शौक चढ़ गया। इतनी फिल्में देखने लगे कि होटल मैनेजमेंट भूल गए और बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना देखने लगे। एक बार पिता से हिम्मत कर बोल बैठे कि मुझे हीरो बनना है। पिता ने पहले पढ़ाई पूरी करने को कहा तो डिग्री भी ले ली। पिता ने देखा कि बेटा मानने वाला नहीं है तो खुद ही मदद को आगे आ गए। उनके बंबई में एक दोस्त हुआ करते थे, डायरेक्टर सुभाष घई। उन्होंने बेटे के लिए बात की तो घई बोले कि बेटे को बंबई भेज दो। रोनित रॉय हीरो बनने का सपना लेकर सीधा घई के पास पहुंच गए, मगर यहां उनका सपना टूट गया। सुभाष घई ने साफ बोल दिया कि मेरे घर पर जब तक चाहे रुक सकते हो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको हीरो बना दूंगा तो ऐसा नहीं है। अपने हिस्से का संघर्ष तुमको खुद करना होगा। हकीकत सामने आते ही अभिनेता ने सबसे पहले अपना खर्चा निकालने का जुगाड़ किया। मुंबई के मशहूर सी रॉक होटल में छोटी सी नौकरी कर ली। यहां बर्तन धोने से लेकर वेटर तक का काम करना पड़ा। नौकरी से समय निकालकर प्रोड्यूसरों के ऑफिस के चक्कर भी लगाया करते थे। अचानक एक दिन किस्मत साथ दे गई। 1991 की बात है। प्रोड्यूसर जिमी नरुल्ला और डायरेक्टर दीपक बलराज विज एक फिल्म बना रहे थे। संगीत के लिए उन दिनों धूम मचा रहे नदीम श्रवण फाइनल हो चुके थे। बस हीरो के लिए ऑडिशन चल रहे थे। रोनित को जैसे ही यह खबर पता लगी, वह फौरन पहुंच गए ऑडिशन देने। ऑडिशन तो दिया मगर फेल हो गए। अब क्या किया जाए? एक बार फिर पहुंचे ऑडिशन में और एक और मौका देने की गुजारिश की। मौका भी मिल गया और किस्मत भी खुल गई। इस बार वह हीरो के लिए चुन लिए गए। साल 1990 बयानवीर में फिल्म आई जान तेरे नाम आते ही फिल्म ने धमाका कर दिया। फिल्म के गानों ने टहलका मचा दिया। हम लाख छिपाएं, प्यार हो या अखा इंडिया जानता है हो, या कल कॉलेज बंद हो जाएगा, या फिर रोने न दीजिएगा से लेकर रोमांस पीरियड होना चाहिए, ये सारे गाने उस दौर के युवाओं के जुबान पर चढ़ गए। उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट बन गई रोनित की पहली फिल्म। फिल्म की दीवानगी का आलम यह था कि जान तेरे नाम तो सिनेमा घरों से सिल्वर जुबली मनाकर उतरी। पहली ही फिल्म ने रोनित रॉय को रातों रात उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां एक्टर पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। पहली ही फिल्म से स्टार बन गए। रोनित को तो अब काम की कोई कमी ही नहीं रही। डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के बीच उनको अपनी फिल्मों में लेने की होड़ सी लग गई। एक साथ उनके पास इतने ऑफर आ गए कि उनको संभालना ही मुश्किल हो गया। सब उनके अंदर बड़ा स्टार देखने लगे। 90 के उस दौर में बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके साथ काम करने के लिए कहा करती थीं। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात स्टार बना अभिनेता अचानक से महाफ्लॉप की लिस्ट में आ गया? इसकी वजह खुद रोनित रॉय ही थे। हुआ ये कि वो भले ही पहली फिल्म से स्टार बन गए थे, मगर उनके अंदर अनुभव की कमी थी। 27 साल के हीरो को एक साथ इतने ऑफर आ गए कि वो इनको संभाल ही नहीं सके। अनुभव की कमी की वजह से वो ऐसी फिल्मों को चुनते चले गए जिनकी कहानी में दम ही नहीं था। वहीं अच्छी अच्छी फिल्मों को मना करते जा रहे थे। उनकी छोड़ी कई फिल्मों ने दूसरे अभिनेताओं को स्टार बना दिया। गलत चुनाव की वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं और कुछ ही सालों में रोनित का करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। मगर दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो जानिए कि नसीब जब पलटता है तो कैसे महाफ्लॉप हीरो की किस्मत भी चमक उठती है। लेकिन पहले रोनित रॉय की निजी जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटते हैं।
90 के दशक में जब रोनित स्ट्रगल कर रहे थे तब उनकी जिंदगी में एक लड़की आई, नाम था जुआना। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली थी। साल 1981 में दोनों की एक बेटी हुई, नाम रखा गया ओना। मगर समय बीतने के साथ ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आखिरकार कुछ सालों के बाद दोनों ने 1997 में तलाक ले लिया। जुआना अपनी बेटी ओना के साथ अमेरिका चली गई। इसके कुछ ही समय बाद रोनित की दोस्ती मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस नीलम सिंह से हो गई। रोनित ने साल 2003 में नीलम से दूसरी शादी कर ली। दोनों के दो बच्चे हुए, साल 2005 में बेटी डोर और साल 2007 में बेटा अगस्त्य। अब बताते हैं कि सुपर फ्लॉप एक्टर कैसे बॉलीवुड छोड़ते ही चमक उठा। साल 2002 की बात है, बॉलीवुड में काम मिलता नहीं था तो रोनित एक बंगाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अचानक उनको एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स का फोन आया। बताया गया कि टीवी शो कमल में स्वयं जाजू के किरदार के लिए उनको चुना गया है। 1200 रोज की फीस देने की बात हुई, जबकि उस दौर में जूनियर कलाकारों को भी 1500 रोज मिला करते थे। अब काम था नहीं तो रोनित ने बेमन से हां बोल दी। मगर बॉलीवुड में एक्टिंग छोड़ टीवी पर आना ही उनकी किस्मत चमका गया। कमल सीरियल में तो उनकी कोई पहचान नहीं बनी, मगर फिर आया वो शो जिसने रातों रात इनको टीवी का स्टार बना दिया। बालाजी टेलीफिल्म्स ने इनको एक ऑफर दिया। उनके मशहूर सीरियल में रोनित को बिजनेस टाइकून का रोल ऑफर हुआ। बात हुई कि 8 हफ्तों के लिए आपको एक बिजनेसमैन का रोल करना है। रोनित ने बेमन से उसे भी हां कर दिया। मगर ये क्या, ओशो ने तो रातों रात उनको टीवी का स्टार बना दिया। शो का नाम था कसौटी जिंदगी की और उनको मिस्टर ऋषभ बजाज का किरदार मिला था। इस किरदार में वो ऐसे छा गए कि मेन हीरो अनुराग बासु ही पीछे छूट गया। 8 हफ्तों के लिए आए थे मगर इतने मशहूर हो गए कि बालाजी वालों ने इन्हें परमानेंट कर दिया। 90s का महाफ्लॉप हीरो अब टीवी का सुपरस्टार ही नहीं मशहूर बिजनेसमैन भी बन चुका है, साथ ही बॉलीवुड में भी खूब नाम कमा रहा है। वो मुंबई में आलीशान बंगले में अपने परिवार के साथ रहते हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। वैसे उनका एक भाई भी एक्टर है जिसका नाम रोहित रॉय है। दोस्तों, आपको रोनित रॉय कैसे लगते हैं? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।